फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। वी द टीचर्स ऑफ सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल्स आर वर्किंग फ्रॉम आवर होम एंड टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, सो प्लीज़ कोऑपरेट अस। क्लास सिक्स, टुडे वी विल स्टार्ट द यूनिट सेकेंड एंड चैप्टर 12 एंड द टॉपिक इज नंबर ऑफ नाउन्स। एज वी हैव स्टडीड अबाउट द नाउन्स एंड टुडे वी विल स्टडी नंबर ऑफ नाउन्स। देर आर टू नंबर्स, द सिंगुलर एंड द प्लूरल नंबर्स। The singular number is when a noun denotes only one person, animal, place or thing, it is said to be in the singular number. Singular number वो numbers होते हैं जिसमें एक मनुष्य या एक वस्तु या एक चीज़ की बात की जा रही है, एक वचन की, उसे हम singular number कहते हैं। For example, a boy एक लड़का, a girl एक लड़की, a chair एक कुर्सी, a table एक मेज, a book a dog. नेक्स्ट वन इज द प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर इज बहुवचन जिसमें एक से अधिक की बात की जा रही है। जैसे व्हेन अ नाउन डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेसेस और थिंग्स, इट इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। फॉर एग्जांपल, बॉयज, गर्ल्स, चेयर्स, टेबल्स, बुक्स, डॉग्स, पेंस, ये हमारे सिंपल प्लूरल नंबर हैं जिसमें हम सिंपली एस लगाकर सिंगल से प्लूरल में चेंज कर देते हैं। Now we will study about some rules with examples how to change the singular number in the plural number. Singular number and the plural number. To make a plural form of a noun, simply add the letter s to the end. So कुछ words plural form में ऐसे होते हैं जिन्हें singular से plural form में change करने के लिए हम simply last में s लगा देते हैं। वो words कौन से होते हैं? Book, बुक्स, इसमें बुक सिंगुलर है और इसमें एस लगाकर हम क्या करेंगे, बुक्स कर देंगे, तो ये प्लूरल में हो जाएगा। एक पुस्तक, एक से अधिक पुस्तक। चेयर, चेयर्स। लॉक, लॉक्स। बॉय, बॉयज। रूल सेकंड में हम पढ़ेंगे, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स विद एस, एस एच, एस एच, एस एस, सी एच, एक्स, जेड, ओ, ये रूल सेकंड में वो है जो सिंगुलर नाउन जितने भी होंगे जिनके एंड में एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ ये सब आते हैं तो उनके लास्ट में हम उसे प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे बी ओ एक्स, बॉक्स, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स, तो हम इसको ई एस लगा देंगे, बॉक्सेस, ये बॉक्स का प्लूरल हो गया, बॉक्सेस। क्लास, डबल एस आ रहा है लास्ट में तो इसमें हम ई एस लगा देंगे उसका प्लूरल बनाने के लिए, तो क्लास का क्लासेस हो जाएगा। वॉच, वॉच, वॉचेस, सी एच आ रहा है लास्ट में तो हम इसमें ई एस ऐड कर देंगे, वॉचेस। डिश, एस एच आ रहा है लास्ट में तो डिशेस हो जाएगा, प्लूरल डिशेस। इफ ए वर्ड एंड्स विद सी एच एंड साउंड के, देन वी ऐड एस। सो स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में सी एच लगा होता है बट उसका जो साउंड होता है वो के में प्रोनाउंस होता है तो उसमें हम एस लगाएंगे ना कि ई एस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे स्टोमक, अब इसके लास्ट में लगा है सी एच, अब आप सोचेंगे कि हमने सी एच में बताया था कि लास्ट में ई एस आएगा बट ये प्रोनाउंस कर रहा है के की प्रोनाउंस तो इसमें हम सिंपली एस लगाएंगे। मोनार्क, मोनार्क क्या है, सी एच लग रहा है बट प्रोनाउंस कर रहा है के, मोनार्क, तो सिंपली एस लगाएंगे, मोनार्क्स, तो ये इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। रूल थ्री, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स विद द लेटर ओ, एड ई एस। अगर कोई सिंगुलर नाउन है और एंड्स कर रहा है ओ से तो हम उसमें ई एस लगा देंगे। फॉर एग्जांपल, हीरो, हीरोज, मॉस्किटो, मॉस्किटोज, मैंगो, मैंगोज। रूल फोर, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स विद वाई एंड द लेटर बिफोर वाई इज अ वोवल, एड एस। अब इसमें कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होंगे जिनका जो एंड होते हैं वाई से और जिनके वाई से पहले वोवल आता है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, तो उसमें हम लास्ट में उसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उसमें हम ऐड करेंगे एस। फॉर एग्जांपल, बॉय, इसमें लास्ट में वाई आ रहा है, वाई से पहले क्या है, ओ, दैट इज वोवल, सो इसमें हम एस एंड करेंगे प्लूरल बनाने के लिए बॉय का, बॉयज। की, वाई है, वाई से एंड हो रहा है और वाई से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, दैट इज अ वोवल, सो हियर वी विल ऐड एस, की, कीज। टॉय, वाई से पहले ओ आ रहा है, वोवल है तो टॉय का टॉयज हो जाएगा। डे, वाई से पहले ए आ रहा है, फर्स्ट वोवल है, देन डे का क्या हो जाएगा, डेज।
Rule 5. If the singular noun ends with Y and the letter before Y is a consonant, change Y into I and add ES. तो इसमें हम रूल फाइव में जानेंगे कि कुछ सिंगुलर नाउन होते हैं जो एंड्स हो रहे हैं वाई से, बट वाई से पहले उसमें कॉन्सोनेंट होता है. कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जिसमें वोवल्स इंक्लूड नहीं होते हैं. तो उन्हें हम वाई से वाई को चेंज करेंगे आई में एंड ऐड विद ईएस, और लास्ट में ईएस ऐड कर देंगे. फॉर एग्जांपल बेबी. अब बेबी बेबीज, वाई को हमने चेंज किया आई में एंड ऐड आई विद ईएस, देन बेबीज. बेबी का प्लूरल क्या होगा? बेबीज. सिटी का सिटीज. आर्मी आर्मीज. ड्यूटी ड्यूटीज. रूल 6. इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स विद एफ और एफ ई, देन एफ और एफ ई इज ऑफन चेंज टू वी ई एस. रूल 6 में हम जानेंगे कि जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके एंड में एफ और एफ ई आ रहा है, उसको हम चेंज कर देंगे वी ई एस में, प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल थीफ thieves. तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? F. तो इसे हम चेंज कर देंगे वी ई एस में, thieves. knife knives. leaf leaves. wife wives. rule 7. sometimes change the vowel a e i o u to make a noun plural. अब ये वो वर्ड्स हैं जिनमें क्या आ रहा है? वोवल्स आते हैं बीच में, तो उन्हें हम पूरी स्पेलिंग ही इसकी चेंज कर देंगे वोवल्स को. मैन. हियर ए इज़ अ वोवल, तो ए प्लूरल चेंज करने के लिए हम ए को चेंज करेंगे ई में, एम ई एन मैन. फूड. अब ओ क्या है? वोवल है, इसे हम प्लूरल चेंज करने के लिए चेंज करेंगे डबल ई में. फूड का क्या हो जाएगा? फीट. टूथ का टीथ. वुमेन वुमेन. रूल 8. समटाइम्स एड ई एन और आर ई एन टू मेक अ नाउन प्लूरल. कभी कभी क्या होता है कि ऐड ई एन और ई एन टू मेक ए नाउन प्लूरल. सिंगुलर नाउन को प्लूरल में बनाने के लिए उसके लास्ट में हम ई एन और आर ई एन ऐड करेंगे. जैसे ऑक्स का प्लूरल क्या होगा? ऑक्सन. तो इसमें ई एन ऐड जाएगा. चाइल्ड का चिल्ड्रन. आर ई एन. सो ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन हो जाएगा, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन हो जाएगा. रूल 9. सम नाउन्स डोंट चेंज एट ऑल इन प्लूरल नंबर. अब इसमें नंबर नाउन्स में कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते. शीप का शीप ही रहता है, डियर डियर ही रहेगा, डजन डजन रहेगा, जैसे वन डजन टू डजन. फिश का फिश ही रहेगा, और जैसे कैटल होता है, स्पेक्टिकल्स होता है, देयर आर वर्ड्स विच डजन चेंज देयर फॉर्म्स. रूल 10. टू मेक द प्लूरल ऑफ ए कंपाउंड नाउन एड एस इन द एंड ऑफ द प्रिंसिपल वर्ड. अब जो कंपाउंड नाउन होते हैं जिसमें एक से अधिक वर्ड यूज़ किए गए हैं, कंबाइंड किए गए हों, उनको हम प्रिंसिपल वर्ड, जो उसका मेन वर्ड होगा प्रिंसिपल वर्ड, उसमें हम एस ऐड कर देंगे उसे प्लूरल में बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल फादर इन लॉ. तो ये द मेन वर्ड क्या है? फादर. तो इसमें हम एस ऐड करेंगे इसे प्लूरल बनाने के लिए, फादर्स इन लॉ. स्टेप डॉटर, स्टेप्स डॉटर. पासर बाय, पासर्स बाय. कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ. हियर इज एन असाइनमेंट विच यू हैव टू डू इन योर ग्रामर नोटबुक, चैप्टर नंबर 12. डू एक्सरसाइज 1 to 6 इन योर ग्रामर नोटबुक. एंड इन दिस चैप्टर इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग देन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन और सजेशन इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. गुड लक स्टूडेंट. थैंक यू.